वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मेरे पूरे रिपोर्ट्स जो है वो आए हैं, क्योंकि घर पे सब यानी मेरी मॉम और डैड ही ऐसे बोल रहे थे तुम ओवरवेट हो गई हो, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है। स्पेशली मॉम मेरी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मेरा वेट जो है वो अभी इशू हो गया है। यानी हर बार मुझे सब लोग बोल रहे थे कि तुम ओवरवेट हो गई हो। तो कल PYC डेक्कन पे मैंने मेरा पूरा बॉडी चेकअप जो है वो किया, यानी जिम वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। तो एक अच्छा खासा वहाँ पे एक मशीन है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेट कितना है और हाइट के अनुसार वेट जो है वो कितना होना चाहिए एट्सेट्रा। तो वो वहाँ पे मेरा चेक, तो रिपोर्ट्स के अनुसार मेरा वेट जो है वो 177 वहाँ पे भी है। मेरे घर के वेइंग स्केल के ऊपर भी 77 ही है, यानी सेम है दोनों जगह पे। यानी मेरा जो वेइंग स्केल है वो डिजिटल है, तो वो और जो जिम का वेइंग स्केल और मेरे घर का वेइंग स्केल, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 200-300 ग्राम का ही फ़र्क है, तो उतना तो हर काटे काटे में होता ही है। और बाकी सब रिपोर्ट्स जो है वो भी निकाले तो 77.2 ऐसे वहाँ पे वेट निकला। मेरे घर पे भी उतना ही था, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरा वेट जो है वो बढ़ गया, 2 kg बढ़ गया है। पहले 75 हुआ करता था। आइडियल वेट मेरा जो है वो 61-65 के रेंज में होना चाहिए, जो मेरा पहले हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, वे रोज़ के रोज़ एक्सरसाइज कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स के थ्रू देखा ही है कि मैं रोज़ वॉक के लिए जाती हूँ, घर पे भी ट्रेडमिल जो है वो करती हूँ, मैट के एक्सरसाइज करती हूँ और डांस क्लास भी करती हूँ। यानी हफ्ते में 2 बार डांस क्लास करती हूँ, तो अभी वेट कम नहीं हो रहा है। डाइट भी प्रॉपर करती हूँ, इतना ज़्यादा भी ऑयली स्पाइसी खाती नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा घर पे सब बोल रहे थे कि यानी ऑयली खाती हो। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ फ्राई भी किया ना, तो नीचे से मॉम आती थी कि क्या फ्राई किया आज, यानी ऐसे उसका रहता था। तो यानी मन की बाहर का तो मैं खाती नहीं हूँ, आपने देखा ही होगा कि मैं ज़्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ, कि जाके नॉनवेज खा के ऐसा भी नहीं है, प्रॉपरली डाइट करती हूँ। तो कुछ ऐसे इशू थे, तो मैंने प्रॉपर जाके रिपोर्ट से निकाल के आई मैंने यानी रिपोर्ट्स निकाले, और रिपोर्ट्स के अनुसार मेरे पास भी हर्बल लाइफ का कैलकुलेटर है, तो मैं वहाँ पे भी चेक करती ही रहती हूँ। तो हर्बल लाइफ की कैलकुलेटर के थ्रू भी मेरा वेट जो है वो जस्ट ओवर वेट दिखा रहा है, नॉट ओबेसिटी के उसमें। अभी तक मैं ओबेसिटी में मैं के क्लास में नहीं गई हूँ, या ओबेसिटी 1-2 किसी में भी नहीं गई हूँ। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो गए थे वेट के, यानी मैं नीचे जाती थी ना, तो उसमें मैं क्या खाया, ऑयली खाया, ये खाया, वो खाया, ऐसे ही रहता था। कभी कभार मैं पूरियाँ वगैरह बनाती थी, या फिर बाहर जाके भेल वगैरह खाती हूँ कभी कभी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों की मैं भेल वगैरह खाती हूँ, लेकिन ऐसे हो रहा था। तो मैं रिपोर्ट से निकल के आई, और रिपोर्ट्स मेरे कुछ मुझे तो मालूम ही था मैं ओबेसिटी क्लास में अभी तक नहीं हूँ, ओवरवेट हो गई हूँ। तो बस यही था। और यस, मैं अभी क्लीनिंग कर रही थी, यानी सब मेरे ड्रॉवर्स वगैरह साफ कर रही थी, तो मुझे ये 2 चीज़ें मिली। ये मैंने मेरे दिल के बहुत करीब है, तो यानी बहुत करीब है ये 2 चीज़ें। तो इसमें से एक है ये,
जो है ये ओरिफ्लेम का फेस ऑफ पुणे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। यानी तो फेस ऑफ पुणे में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये एक उसका टैग है। और ये दूसरा टैग जो है, ये ऑडिशंस दिए थे मिसेस इंडिया ग्लोबल 2019, तो ये भी मेरे चैनल पे आपको, ये ऑडिशंस जब मैं देने गई थी तो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा करीब है मेरे दिल के। और ये देखिए, ये 27 नंबर था मेरा और ये 222 ऐसे नंबर था। तो मैंने ये संभाल के रखे हैं, ये कुछ मेमोरीज़ है। यानी इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि ये मैंने कभी तो किया है, ये ऑडिशंस मैंने कभी तो दिए हैं। फेस ऑफ द पुणे ओरिफ्लेम का था कंपटीशन, तो टैलेंट राउंड जो रहता है उसमें परफॉर्म करते वक्त ये आपको डाल के फिर टैलेंट राउंड जो है वो देना पड़ता है। तो ये है मेरे रिपोर्ट्स जो मैं कल लेके आई। सारा काम किया है, बर्तन मांजे, बाथरूम साफ़ किए, बहुत सारे काम किए हैं, अभी खाना खा रही हूँ। तो पहले मैं ब्रेड को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑमलेट बनाने के वक्त मैं इसमें एक अंडा लिया है और इसमें एकदम मिनिमम सॉल्ट और मिनिमम चिली पाउडर और मिनिमम ऑयल ऐसे यूज़ करके ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एकदम बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया है, बटर नहीं लगाया है, प्लेन नॉन स्टिक तवे पे सब चीज़ें जो है वो बनाती हूँ। यानी ये निर्लेप का तवा है तो इसके ऊपर ही मैं जस्ट ब्रेड सेक रही हूँ। इसके ऊपर मैंने ऑयल भी नहीं लगाया है, बटर भी नहीं लगाया है। और जो मैं एक का ऑमलेट बना रही हूँ इसके लिए भी नॉन स्टिक तवे पे मैं जस्ट ऐसे ही डाल देती हूँ, उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाती हूँ। लेकिन क्या मालूम अभी क्या कर सकते हैं, घर के लोगों को कुछ हम बोल भी नहीं सकते कि ऐसे तो मैं डाइट कर रही हूँ। लेकिन कभी कभार बाहर का खा लेती हूँ या फिर भेल वगैरह खा लेती हूँ, तो वो भी हमारे घर पे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो अभी बना रही हूँ ऑमलेट। और देखिए, ये मैंने प्लेन तवे पे ही बनाया है। देखिए इस तरीके से, इसमें कुछ भी ऑयल मैंने ऐड नहीं किया है, जस्ट निर्लेप के तवे पे डाल दिया है। और इसे मैं फ्लिप करूँगी थोड़ा सा सेकने के बाद। ये तवा जो है एक्चुअली उसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आप विदाउट ऑयल ऑमलेट वगैरह बना सकें, डोसा विदाउट ऑयल बना सकें। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये बन चुका है यहाँ पे मेरा ऑमलेट। ये है सॉस, ये मैंने छोटी छोटी बॉटल्स भी ला के रखी है सॉस की, ताकि खाते समय छोटी क्वांटिटी में
अच्छा हो जाता है या नहीं। तो ये कल मैंने मैंने जैसे बोला कि बहुत काम किया था, तो ये जो बर्तन रहते हैं ना कॉपर के, या कॉपर के यानी तो पीतळ, पीतळ म्हणतात त्याला मराठीत, तर इसको इमली से मैंने साफ किया पूरा दिन बैठ के यानी पूरा प्रॉपरली साफ किया। ये स्टिकर जो है ये बहुत यानी मैंने निकाला ही नहीं है, जब से ये लाया है ना बर्तन तब से मैंने इसको निकाला ही नहीं है। तो ये साफ़ करने को इमली लगती है या फिर पीताम्बरी लगती है, तो ये साफ करना था मुझे। और इसका पानी जो रहता है ना, ये देखिए इसके अंदर इस तरीके से आप पानी भर के रखिए, और ये पानी जो है ये बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। यानी अगर आप प्रेग्नेंट वगैरह है तो इसके अंदर पानी रख के पानी पीने से उसके जो गुणधर्म है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये जो है ये मैंने प्रॉपरली साफ़ किया और इसमें पानी रखा है, इसका पानी पियेंगे अभी। और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे क्रेविंग कार्विंग कार्विंग यानी नाम लिखा है मेरा। एक हाउसवाइफ को हमेशा अपना बैंक बैलेंस जो है वो थोड़ा संभाल के खर्च करना पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो कभी भी आ सकती है। तो कल मेरी जो है टू व्हीलर ख़राब हो गई। हमारा घर का खुद का ही गैराज है टू व्हीलर रिपेयरिंग का, लेकिन हमारा जो व्यवहार रहता है वो क्लियर रहता है। यानी अगर मेरे डैडी भी है उनको मैं उनका जो काम किया हुआ रहता है उसके पैसे इमीडिएटली दे देती हूँ। तो मुझे मेरा ऐसा बिलीफ है कि अगर आप पैसों के मामले में क्लियर रहो तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती है। तो कल मेरी टू व्हीलर बिगड़ गई अचानक से, तो वो गैरेज पे लेके गए डैडी, और उसका खर्चा करना पड़ा। यानी मुझे उसकी बैटरी जो है वो चेंज करनी पड़ी, तो वो चेंज की, फिर बैटरी चेंज की और बहुत ऑयल चेंज किया, और कुछ तो स्पेयर पार्ट्स जो है नए स्पेयर पार्ट्स उन्होंने उस पे डाले। तो ये सब जो है वो खर्चा 2,000 रुपीज़ खर्चा हुआ है। तो मुझे बताना यही था कि घर का ही हमारा बिजनेस है, लेकिन मैं जब वो मेरा काम करते हैं तो उसके पैसे उनको इमीडिएटली दे देती हूँ। या फिर मॉम भी कभी अगर मेरी कोई ऑर्डर आई घर पे और उसका पैसा उसने दिया तो उसके भी पैसे मैं दे देती हूँ। ऐसे कभी भी मैं बैलेंस नहीं रखती कि अगर उसने आज सुबह पैसे दिए हैं ना तो मैं शाम को उसको इमीडिएटली पैसे देती हूँ। आज तक अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब से मैं 18 साल की हुई हूँ, 18 साल तक मेरा एक्सपेंस उसने उन दोनों ने किया है। 18 साल के बाद जो भी खर्चा पानी हुआ है वो मैंने अपने खुद के पैसों से किया है। यानी वो 1 रुपये भी मुझे नहीं देते। 18 साल, जब मैं 18 साल की थी तब से अब तक 1 रुपये भी उन्होंने मुझे नहीं दिया है। मैं अपना खर्चा या उन्होंने कभी मुझे कुछ दिया तो उसके भी मैं पैसे देती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप पैसों के मामले में क्लियर हो तो रिलेशंस अच्छे रहते हैं, ऐसा मेरा एक बिलीफ है, क्योंकि पैसा आखिर सब कुछ होता है। तो बस यही है आज का छोटा सा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से, मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करा। बाय।
लव यू ऑल।